शैतानियां तो 10वीं के बाद शुरू हुई ना मेरी। अच्छा, मतलब तब इमरान हाशमी की फिल्में आ गई थी। इमरान हाशमी की फिल्में देखकर थोड़ा बर्बाद हुआ। हिम्मत शेरशमिया के गाने सुनकर थोड़ा लगा कि भाई, मतलब एक अलग हीरोइज्म दिया ना उसकी फिल्मों ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंदर का जो एक नटखट बच्चा था उसे जगाया उस फिल्मों ने। कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने उस छोटे शहर से कहा कि तुम चले जाओगे। इतने कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वो मौका ही नहीं मिला। तो मेरे एक सामाजिक विज्ञान के टीचर हुआ करते थे, आर सिन्हा। अच्छा। तो जाते ही बोले सर हमें भी करना, एक मौका हमें। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपने आवेदन कर दो, नाम देना पड़ता है। तो हमने नाम लिखवा दिया कि सर नाटक करना है हमको। तो आए, और चूंकि वो बॉयज स्कूल था, ठीक है, तो सबको पात्र वितरण हो रहा है कि आप तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो। तो हमें एक महिला पात्र पढ़ने को मिला। तो मैं सकुचा रहा हूँ कि सर महिला पात्र नहीं करना है। तो उन्होंने कहा यार पागल वागल हो क्या है, महिला पात्र नहीं करो। पता है तुम्हें कमल हसन, सुने हो तुम कमल हसन, चाची 430 में देखे हो फिल्म? देखे हो फिल्म? नहीं देखो जाओ देखो। गोविंदा को देखे हो? आंटी नंबर वन में कैसा काम करते हो तुम, बोलो महिला पात्र नहीं करते, नहीं करोगे? तो मोटिवेट किया तो मैंने कहा हाँ सर करेंगे। हमने परफॉर्म तो कर दिया, मन से किया। और परफॉर्मेंस के बाद पूरा स्कूल जो है उस महिला किरदार के नाम चल रहा था। मतलब अब मुझे बहुत चिढ़ मचता था कि यार मुझे मेरे नाम से बुलाया जाए यार, मतलब क्या है। मतलब मैं कहीं साइकिल से कहीं गुजर रहा हूँ और कोई ऐसे बुलाए उस महिला किरदार के नाम से बुलाया। दिल्ली में अलग अलग थिएटर डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा था, मतलब ऐसा कोई भी थिएटर डायरेक्टर नहीं था जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। लेकिन एक समय के बाद ऐसा लग रहा था ना कि हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं, और मैं सड़क पे, और सड़क बिल्कुल वीरान, और मैं चिल्ला रहा हूँ। तो मैं चाहता था कि मेरा NSD हो जाए, और मैं शिद्दत से चाहता था कि मैं पढ़ूँ मैं NSD, बट हुआ नहीं। वहाँ आइनॉक्स में प्रीमियर था, तो मेरे कितने सारे दोस्त थे, सारे दोस्तों को मैं बताया कि मेरी फिल्म का प्रीमियर है, सबको आना है। अच्छा। और मैं सबको अपने पासेस दे रहा हूँ, पासेस दे रहा हूँ। तो वो जो फिल्म का PR कर रही थी, तो उन्होंने कहा यार जो लीड एक्टर है उसके इतने गेस्ट नहीं जितने तेरे। हालांकि पंचायत का एक हिस्सा, मतलब पंचायत में मैं करने वाला था एक किरदार, फर्स्ट में पंचायत टू में। अच्छा। और मतलब कुछ कहिए, कुछ ऐसी वजहों से मैं वो शो नहीं कर पाया। UPSC एक प्रेत है, पलट के मत देखना, पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे। जीवन में प्रेम नहीं तो फिर क्या, प्रेम तो होना चाहिए। हेलो, मेरा नाम पुनीत तिवारी है, आपने देखा होगा मुझे संदीप या शो में बतौर प्रिंस मिश्रा, और चाचा विधायक हैं हमारे में बतौर अंकुर। तो मैं आ रहा हूँ अभिषेक दिल्ली वाला यूट्यूब चैनल पे, और हम बातचीत करेंगे। पॉडकास्ट पूरा सुनने के लिए बने रहिए अभिषेक दिल्ली वाला चैनल पे।